हवाई जहाज का नाम सुनते ही हम में से बहुतेरे लोग रोमांचित हो उठते हैं, पर क्या हो अगर हवाई जहाज का सफर किसी शख्स का अंतिम सफर साबित हो। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की ये कहानी भी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने और देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आइए चलते हैं इस डरावने और खौफनाक हवाई जहाज के सफर पर। मॉस्को के डोमो डिडेवो हवाई अड्डे पर 1 जुलाई 2002 की रात 8:10 पर 45 बच्चों समेत 60 यात्री फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। 38 मिनटों बाद बशकीरियन एयरलाइन के फ्लाइट नंबर 2937 में ये 60 यात्री और 9 विमान सदस्य चढ़े। फ्लाइट मॉस्को से बार्सिलोना जा रही थी और विमान यात्री बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनमें से कोई अपने परिवार से मिलने, कोई छुट्टियों के लिए और बच्चे अपने टीचर्स के साथ फील्ड ट्रिप पर जा रहे थे। मगर उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो एक अंतिम और कभी न खत्म होने वाली यात्रा करने जा रहे हैं। ये फ्लाइट 3000 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करने वाली थी। रात के करीब 11 बजे ये प्लेन स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस में घुसा। ये एयर स्पेस एक प्राइवेट कंपनी स्टार गाइड के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उस रात पीटर नीलसन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में अपने एक सहयोगी कर्मचारी के साथ वहां मौजूद थे। वो दिन एयर ट्रैफिक के लिहाज से बहुत व्यस्त दिन था, मगर रात के समय व्यस्तता थोड़ी कम थी और उस पूरे एयर स्पेस में रात 11 बजे किसी भी एयरपोर्ट पर कोई भी फ्लाइट लैंडिंग नहीं थी। ये देखते हुए पीटर का सहयोगी अपने वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी भी पीटर को देकर बाहर चला गया। अब पीटर दो दो वर्क स्टेशन को संभाल रहा था। पहले रडार पर एयर स्पेस का ट्रैफिक शो हो रहा था और दूसरे पर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन्स की मॉनिटरिंग हो रही थी। 11:08 पर फ्लाइट 2937 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। विमान 2937 में सभी यही सोच रहे थे कि प्लेन अब से लगभग 2 घंटे बाद लैंड कर जाएगा, मगर समय तो उनके लिए कुछ और ही रचने वाला था। फ्लाइट 2937 से 600 किलोमीटर दूर बर्गेमो से एक DHL फ्लाइट 611 ब्रुसेल्स जाने के लिए 11:06 पर वहां से निकली और तकरीबन 11:10 पर पीटर को ये सूचना मिली कि उसके मुख्य रडार को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए उसे बैकअप रडार सिस्टम का इस्तेमाल करने को कहा गया। लगभग 11:21 पर DHL 611 ने इस एयर स्पेस में एंटर किया और इस प्लेन के चालक ने पीटर से संपर्क किया और उससे 36,000 फीट पर उड़ान भरने के लिए परमिशन मांगी। उसी ऊंचाई पर उड़ने की परमिशन मांगी गई जहां इस वक्त बशकीरियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 2937 उड़ रही थी। पीटर ने सारी कैलकुलेशन की और रडार पर ये देखा कि कहीं आसपास कोई प्लेन तो नहीं, लेकिन तभी दूसरे रडार पर डिलेड फ्लाइट एयरबस फ्लाइट AEF-113 का मैसेज आया कि उन्हें पास के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी है, इसलिए वो DHL फ्लाइट को छोड़कर दूसरे रडार पर चले गए। पीटर ने पास के एयरपोर्ट टावर से बात करने की कोशिश की। उनका फोन मेंटेनेंस के कारण बंद था और इसलिए वो एयरपोर्ट से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए और ये सोचकर पहले रडार पर मूव कर गए कि AEF को अभी लैंडिंग करने में 10 मिनट लगेंगे। पहले रडार सिस्टम पर जाकर पीटर ने DHL फ्लाइट को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने की परमिशन दे दी और वापस एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। DHL फ्लाइट को परमिशन मिलने के बाद वह 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और दूसरी तरफ से फ्लाइट 2937 भी बिल्कुल इसी ऊंचाई पर उड़ रही थी। इस समय ये दोनों फ्लाइट एक दूसरे से 48,000 फीट दूर थे और बहुत ही तेज गति से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये तो जाहिर सी बात थी कि कहीं ना कहीं वो जरूर एक दूसरे को क्रॉस करते, क्योंकि दोनों का रूट सेम था और जिस गति से वो उड़ रहे थे उससे ये अंदाजा भी लगाया जा सकता था कि दोनों स्विट्जरलैंड पर जाकर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। दुर्घटना से लगभग 43 सेकंड पहले पीटर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फ्लाइट 2937 से डिसेंट परफॉर्म करने को कहा। पीटरसन ने फ्लाइट 2937 को निर्देश दिया कि वो अपने फ्लाइट लेवल को 360 से घटाकर 350 लेवल पर ले आए, मगर तभी फ्लाइट 2937 का TCA सिस्टम एकदम से बच पड़ा और ये निर्देश देने लगा कि फ्लाइट का लेवल बढ़ा दिया जाए। ठीक उसी समय DHL का TCA सिस्टम भी एक अलार्म के साथ बजा और फ्लाइट का लेवल कम करने का निर्देश दिया। TCA के निर्देश का पालन करते हुए विमान चालक ने फ्लाइट लेवल कम कर दिया, मगर दूसरी तरफ फ्लाइट 2937 के चालक कुछ हड़बड़ा गए। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि TCA रडार को फॉलो करें या फिर पीटर की बात माने। इसी बीच पीटर ने जोर देकर फ्लाइट 2937 को डिसेंट परफॉर्म करने को कहा। इस दुविधा में फ्लाइट 2937 ने पीटर की बात मानकर अपनी ऊंचाई कम करना शुरू कर दिया।
अब स्थिति ये थी कि दोनों ही फ्लाइट एक स्पीड से नीचे आ रही थी, जो कि फ्लाइट 2937 के TCA रडार के बिल्कुल उलट था। दरअसल TCA सिस्टम किसी भी फ्लाइट का वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो प्लेन की उड़ने की ऊंचाई, स्पीड और दूसरी चीजों को ध्यान में रखकर एक 3D मैप बनाता है जो आसपास से गुजरने वाले प्लेनों की भी जानकारियां देता रहता है। जैसे ही कोई प्लेन इस प्लेन के एरिया में घुसता है, वैसे ही ये TCA अलार्म बज जाता है और परिस्थिति के अनुसार एक प्लेन को डिसेंट और एक प्लेन को क्लाइम करने का निर्देश देता है। उधर जब पीटर ने देखा कि फ्लाइट 2937 ने उसकी बात मानकर डिसेंट कर लिया तो वो थोड़ा निश्चिंत हो गया। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि DHL फ्लाइट भी TCA के अनुसार डिसेंट कर चुका है, क्योंकि फ्लाइट 2937 से लगातार कांटेक्ट में रहने के कारण DHL फ्लाइट पीटर से लाखों कोशिशें करने के बाद भी संपर्क नहीं कर पाया था। ऊपर से पीटर बैकअप सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था जिसपे एक जरूरी विजुअल अलार्म सिस्टम HTCA था ही नहीं, जो ऐसे समय पर रडार पर रेड साइन दिखाकर जोर जोर से आवाज करता है, जिसके कारण पीटर को खतरे का सही अंदाजा ही नहीं हो पाया। अब पीटर लैंड होने वाले प्लेन से कांटेक्ट करने लगा, जबकि दोनों ही प्लेन अभी भी खतरे में थे और बड़ी तेजी से अपनी ऊंचाई को कम करते जा रहे थे। दुर्घटना से लगभग 10 सेकंड पहले पीटर ने एक बार फिर फ्लाइट 2937 को संपर्क किया और बताया कि उनके राइट हैंड साइड से DHL फ्लाइट आ रही है और वो राइट साइड देखने लगे, जबकि DHL फ्लाइट उनके लेफ्ट साइड से आ रही थी। घटना से 3 सेकंड पहले रूसी चालकों का ध्यान अचानक से अपने लेफ्ट साइड पर गया तो हड़बड़ी में उन्होंने अपना प्लेन ऊपर करने की कोशिश की। इतने कम समय में फ्लाइट का ऊपर जाना मुमकिन नहीं हो पाया और फ्लाइट 2937 ठीक 11:35:32 पर DHL फ्लाइट से 34,895 फीट की ऊंचाई पर जाकर टकरा गई। इस टक्कर के बाद फ्लाइट 2937 चार टुकड़ों में टूटकर अलग हो गई और प्लेन का आगे वाला हिस्सा एकदम सीधे जमीन पर गिरा और पीछे वाला हिस्सा कुछ सेकंड हवा में रहने के बाद जमीन पर गिरा। इस भयानक हादसे के कारण 60 लोगों में से 45 बच्चे और 9 क्रू मेंबर मारे गए। वहीं DHL फ्लाइट को भी कम खतरों से नहीं जूझना पड़ा। DHL फ्लाइट के टेल को काफी नुकसान पहुंचा। DHL विमान के चालकों ने सूझबूझ से काम लेते हुए प्लेन को कुछ स्थिर करके घटना स्थल से 700 किलोमीटर दूर किसी जंगल में लैंड किया, जहां सौभाग्य से 2 लोगों को छोड़कर सबको सही सलामत बचा लिया गया। कुल 71 लोग इस घटना में मारे गए और इस दुर्घटना की जांच करने पर पता चला कि इसमें सारी गलती एयर स्टेशन को संभालने वाली कंपनी स्टार गाइड की थी। दोस्तों, तथ्यों के हिसाब से उंगली स्टार गाइड पर ही उठती है, क्योंकि स्टार गाइड ने सबसे ज्यादा लापरवाही की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि इस घटना के दौरान जब ये 2 प्लेन एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे तो वहां से 1,080 किलोमीटर दूर एक एयर स्पेस में बैठे कंट्रोलर को इस स्थिति का अंदाजा लग गया था, लेकिन वो प्रोटोकॉल्स के कारण प्लेनों को सीधे संपर्क नहीं कर सकता था। इसलिए उसने पीटर को कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर वो संपर्क नहीं कर पाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों विमानों की टक्कर में सबसे ज्यादा गलती किसकी थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमेशा इतना सपोर्ट करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।